देश में एक ही दिन में कोविड-19 के 94,772 नए मामले सामने आने के साथ इस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 47,00,000 के पार पहुंच चुकी है। वही अब तक 37,02,595 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। साथ ही ठीक होने वालों की दर रविवार को 77.88% हो गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ हुई नाइंसाफी की शिकायत की है। राजभवन में हुए मुलाकात के बाद कंगना ने कहा, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं एक नागरिक के तौर पर उनसे मिलने आई थी और उन्होंने मुझे बेटी की तरह सुना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी खामोशी को कमजोरी समझने की गलती नहीं करने की नसीहत अपने तमाम विरोधियों को जारी की है। कंगना प्रकरण के समय तमाम विवादों के बीच मुख्यमंत्री ने आज राज्य की जनता को संबोधित किया। सूफी संत हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन की दरगाह के खादिमों ने सालाना उर्स पर परंपरागत शाही दरबारी संदल निकालने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुहार लगाई। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए पुलिस की ओर से मास्क को लेकर की जा रही कार्रवाई के कारण पिछले कुछ दिनों से बाजार में मास्क की बिक्री दुगनी हो गई है। विक्रेताओं का कहना है कि अब नागरिकों द्वारा N95 मास्क की मांग बढ़ गई है। मास्क नहीं पहनने वालों से ₹500 जुर्माना वसूले जाने के निर्देश भी गृह मंत्री ने दिए। विदर्भ पर इस बार मानसून आशानुरूप मेहरबान नहीं दिखाई दिया, इस वजह से रविवार को 13 सितंबर तक विदर्भ में औसत से 12% कम बारिश हुई है। हालांकि नागपुर में अब तक 1195.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह औसत 6% अधिक है, लेकिन विदर्भ के अधिकांश जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जबकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की वापसी शुरू होगी। नागपुर जिले में कोविड-19 के संक्रमण ने कहर ढा दिया है। रविवार को 2,343 नए संक्रमित मिले, जो कि एक ही दिन में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 2,042 नागपुर शहर के है। लेकिन नागपुर शहर में संक्रमण ने लोगों को बेहाल कर दिया। इसके पहले 8 सितंबर को 2,205 और 4 सितंबर को 1,966 संक्रमित एक ही दिन में मिले थे। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कोविड संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मास्क नहीं पहनने वालों लापरवाह लोग भी जिम्मेदार है, इसलिए अब मास्क नहीं पहनने वालों से ₹200 की बजाय ₹500 का जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस कर्मचारी सोमवार से मास्क नहीं पहनने पर चालान कार्रवाई करेंगे, प्रत्येक से ₹500 जुर्माना वसूल करेंगे। जिला प्रशासन की बैठक में रविवार को ऊर्जा मंत्री तथा जिले के बालक मंत्री नितिन राउत और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा।